बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फाइनली सालों से उन पर चल रहे आर्म्स एक्ट के तहत केस में कोर्ट से राहत मिल गई है। ऐसे में दबंग खान ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम भेजा है। सलमान ने इमोशनल होकर अपने सोशल मीडिया के थ्रू सभी का शुक्रिया अदा किया है। काला हिरण केस में राहत मिलने पर सलमान ने किया फैंस का शुक्रिया। भाईजान बोले, ख्याल रखो अपना। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में आखिरकार राहत मिल गई है। गुरुवार को अदालत ने अभिनेता के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें आरोप से बरी कर दिया है। भाईजान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई में शामिल हुए और फैसले के बाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि धन्यवाद सर, ये केस सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले से जुड़ा था, जिसमें अभिनेता पर एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ हथियार रखने और शिकार के लिए इनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के बाद सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरे सभी प्रशंसकों के लिए आपको प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ख्याल रखो अपना और अपने परिवार का। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। इसके बाद सलमान खान के वकील H.M. सारस्वत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमें खुशी है कि अदालत ने राजी की अर्जी खारिज कर दी और झूठे हलफनामे के आरोप से सलमान खान को दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उत्पीड़न के उद्देश्य से आरोप लगाया गया था। ये दूसरा मौका है जब अभिनेता को इस आरोप से मुक्त किया गया है। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भी उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था, जिसके बाद राज्य ने इस फैसले को जिला और सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सलमान को राहत मिलने के बाद से उनके फैंस के बीच खुशी का माहौल है। हम तुमसे प्यार करते हैं सलमान खान गुरुवार को ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। फैंस ट्वीट कर अपने सपोर्ट दे रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान अपनी अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज की तैयारियों में जुटे हैं। ये फिल्म इस साल ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा अंतिम और टाइगर 3 भी पाइपलाइन में है।